हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम आए हैं जलंधर में, और जलंधर में आए हैं जी ओबरॉय चने भटूरे वालों के पास, जो कि सारे पंजाब में नंबर वन टेस्ट दे रहे हैं अपने भटूरे चनों का। और पहाड़गंज का जो टेस्ट है वो है जलंधर में मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सो गाइस, काफ़ी फेमस है अपने मॉडल टाउन एरिया में इनकी दुकान है, और 30 साल पुराना इनका काम है। और बाकी इनके जो भटूरे हैं बिल्कुल सॉफ्ट भटूरे बनाते हैं ये, और बिल्कुल जो चने हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, जैसे जो क्रीमी चने होते हैं ना वैसे तैयार करते हैं। और बिल्कुल आपको जो टेस्ट है वो दिल्ली पहाड़गंज वाला आपको अभी जलंधर में मिलेगा। वैसे तो इनकी काफ़ी ब्रांचेज हैं, तो बाकी हम आज जो ब्रांच में हैं वो मॉडल टाउन में इनकी ब्रांच है। तो चलिए गाइस, अंदर चल के देखते हैं कैसे ये तैयार कर रहे हैं, और उससे पहले जो है लोकेशन चेक कीजिए गाइस। ये जो आप चौक देख रहे हैं, मेन मॉडल टाउन अपने मार्केट का चौक है, और बिल्कुल साथ में ही इनकी शॉप है। तो चलिए गाइस, चलते हैं इनकी किचन में, देखते हैं कैसे तैयार कर रहे हैं भटूरे चने। गाइस, आ गया हूँ इनकी मैं किचन में। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और जहाँ पर खुशबू मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। वाकई में खुशबू से पता चल गया अभी पंजाब का नंबर वन जो भटूरे चने बनाने वाले ओबरॉय चने भटूरे वाले हैं। तो भैया, ये हैं अपने चने, ये बिल्कुल दिल्ली वाला टेस्ट मिल रहा है, क्या बात है भैया। थोड़ा सा हिला के दिखाएं चने, क्या बात है। साइज़ भी बढ़िया रखा हुआ है, और मैं काफ़ी इसमें मसाले वगैरह देख रहा हूँ, तो स्पेशली जो है दिल्ली वाला टेस्ट बनता है टोटल, बहुत ही बढ़िया चने की। गाइस, आप टेक्सचर चेक कीजिए कितना बढ़िया है। और साथ में भैया क्या देते हो, एक ये अचार मिर्ची। अच्छा, अचार है ये, अचार मिर्ची का हो गया, अचार हो गया, ये आमला रखा हुआ है साथ में, प्याज रखे हुए हैं। तो भैया ये स्पेशल साथ में डाल के देते हो, ये तो बहुत ही सबके फेवरेट होते हैं, क्या बात है। तो अब देखते हैं गाइस इनके भटूरे। तो गाइस, ये है जी ओबरॉय स्पेशल चने भटूरे वालों के स्पेशल भटूरे, दिल्ली पहाड़गंज वाले। तो भैया, ये कौन कौन से भटूरे रखे हैं आपने इसमें? पनीर वाले भी हैं, आलू वाले भी हैं। अच्छा, आलू वाले भी हैं, पनीर वाले भी हैं, और देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं। तो भैया, ये कितने बजे तैयारी करनी शुरू कर देते हो सुबह? ये सुबह हम लोग 8 बजे बनाते हैं। अच्छा, 8 बजे शुरू हो जाता है काम अपना। तो यहाँ पर कितने बजे सर्व होना शुरू हो जाता है? यहाँ पर 9 बजे तक। अच्छा, 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। और गाइस, संडे को तो इनके पास बहुत ही रश होता है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहे हैं। तो भैया, ये मैदा लगता है और क्या लगता है इसमें? इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। अच्छा, काफ़ी आइटम होते हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ भी होती है। हाँ जी। तो बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, चलिए इनको बोलते हैं। ठीक है भैया, हमारे लिए ना प्लेट तैयार कर दीजिए। तो गाइस, होगी प्लेट हमारी तैयार। तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, और देखिए जी, इन्होंने एक तो अपने जो पहाड़गंज के जो मेन है वो चने दिए हैं, और साथ में ये स्पेशल खट्टे मीठे अनारदाने वाले जो आलू होते हैं वो दिए हैं, और पुदीने वाली जो है साथ में चटनी दी है। तो ये जो आलू है ये तो मेरे बहुत फेवरेट है, सबसे पहले इसका ही मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। अनारदाने का तो बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आया है, और साथ में इन्होंने आंवला और मिर्ची और साथ में प्याज दिए हैं। तो दोस्तों, काफ़ी फेमस है जलंधर में ओबरॉय स्पेशल भटूरे चने वाले हैं, इनकी काफ़ी और ब्रांचेज हैं। तो चलिए गाइस, लेते हैं जी बाइट। भटूरा जो है बिल्कुल अच्छी तरह इन्होंने फील किया, और इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाला हुआ है। तो ये लगाए जी इनके चने, सो अमेजिंग दोस्तों, सो अमेजिंग। वाकई में मुझे लग नहीं रहा मैं जलंधर में पहाड़गंज के भटूरे चने खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में ही खा रहा हूँ। बिल्कुल दिल्ली वाला टेस्ट जलंधर में मिल रहा है। तो सो गाइस, बहुत ही फेमस है जी ओबरॉय भटूरे चने वाले, टू गुड। चने बिल्कुल सॉफ्ट है, गले हुए हैं, और मसाला बिल्कुल नॉर्मल डाला हुआ है इन्होंने। एक बाइट हो लेते हैं, साथ में पुदीने की चटनी लगाते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है जी 100 रुपीज़ है, और अगर आप चीज़ वाले लेंगे तो 110 रुपये है। तो ये आलू भी साथ में लगा लिया, आलू का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। इससे आगे कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।